असलकम वरकू तलबा, आज हम लोगों को तमरीनफ़ में इसमें श़र्फ़ के बारे में पढ़ना है कि इसमें रफ़ किसे कहते हैं इसी तरह से इसमें रफ़ बनाने का कायदा क्या है देख लीजिए सबसे पहले इसमें शरफ़ की तारीफ़ दी गई है इसमें ज़र्फ़ वो इसम है जो किसी काम की जगह या वक्त को यानी काम कहाँ हुआ है किस जगह हुआ है या काम किस वक्त में हुआ है कब हुआ है इसके बारे में जो लफ्ज़ हमें बतलाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे इसमें ज़र्फ़ बात सुन में आ रही है जैसे मनसरुन मदद करने की जगह या वक्त जैसे मनसरुन मदद करने की जगह या वक्त यह हमें क्या कर रहा है मदद करना एक काम है यह लफ्ज़ हमें काम के जगह या वक्त को बतला रहा है ना तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे इसमें फ़ मजरुबन मारने की जगह या वक्त मजरुबन हमें किसके बारे में बतला रहा है मारना एक काम है काम की जगह और वक्त को बतला रहा है ना तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे इसमें सरफ़ खे इसमें र्फ़ व इसम है जो किसी काम की जगह या वक्त को बतलाए, यानी काम कहाँ हुआ है या काम कब हुआ है इसके बारे में बतलाए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे इसमें फ़ बोलेंगे जैसे मनसरुन मदद करने की जगह या वक्त मनसरुन हमें काम की जगह और वक्त को बतला रहा है इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे इसमें ज़रफ़ बोलेंगे मजरुबन मारने की जगह या वक्त मजरुबन हमें क्या कर रहा है मारना एक काम है इस काम की जगह और वक्त को बतला रहा है तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे इसमें रफ़ बोलेंगे देख लीजिए आगे करें इसमें रफ़ के दो वज़न हैं इसमें रफ़ के कितने वज़न हैं दो वसन इसमें रफ़ दो वज़नों पर आता है पहला वज़न है मफालुन और दूसरा वज़न है मफ़िल इसमें रफ़ हमेशा इन्हीं दोनों वज़न पर आएंगे पहला वज़न का नाम क्या है मफ़ालून और दूसरे वज़न का नाम है म हम लोग मफ़ा के वज़न पर इसमें ज़र्फ कब बनाएंगे और मफआलुन के वज़न पर इसमें ज़र्फ कब बनाएंगे ये सवाल पैदा होता है देखिए आगे लिखा हुआ है मफ़ालुन उस मुजारे से जिसके आी कलिमा पर परमा या फतहा हो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि आन कलिमा किसे कहते हैं फिल मुजारे का सेगा हम लोग ले लें यह ये फिल्म मुजारे का सेगा है यन यह क्या फैल मुजारे का सेगा है तो पहले हर्फ के बाद में यानी यानिमत मदार पहला हर्फ होता है तो पहले हर्फ को छोड़ दीजिए पहले हर्फ के बाद में जो हर्फ होता है उसको हम लोग फ़ा कलीम बोलते हैं क्या बोलते हैं फ़ा कलीम जैसे यहाँ फ़ा क्या है फ़ा करीमा है यहाँ नून क्या है फ़ा करीमा है दूसरे हर्फ को हम लोग क्या बोलते हैं आन कलिमा जैसे यहाँ आयन आइन कलिमा है यहाँ स्वाद आयीन कलिमा है और तीसरे हर्फ को क्या बोलते हैं लाम कलिमा जैसे यहाँ लाम कलिमा रा है यहाँ लाम कलिमा लाम है बात समझ में आ रही है क्या कह रहे हैं यहाँ उस मुजारे से मफ़ालून के वज़न पे हम लोग इसमें जहर बनाएंगे जिसके आन कलिमा पर परमा या फतहा हो तो मैंने बतला दिया कि आइन कलिमा हमें किसे कहेंगे अलामत मुजारे को छोड़ दीजिए पहला जो हर्फ होगा वो फ़ा कलिमा कहलाएगा दूसरा जो हर्फ होगा वो आन कलिमा कहलाएगा और तीसरा जो हर्फ होगा वो लाम कलिमा कहलाएगा कह रहे हैं कि अगर फैले मुजारे के आन कलिमा पर इसे यफ्ता यो सबसे पहले हम लोग ये लेते हैं कि इसमें आइन कलिमा क्या कौन कौन है यहाँ स्वाद आइन कलिमा है यहाँ ता आइन कलिमा है और यहाँ रा आइन कलिमा है कह रहे मुजारे ये किससे बनता है मफ़ालून के वज़न पर इसमें रफ़ किससे बनेगा मुजारे से बनेगा किस मुजारे से बनेगा उस मुजारे से जिसके आयी कलिमा ज़म्मा या फ़तहा हो जिस फ़ैल मुजारे के आन कलिमा ज़म्मा होगा या फ़तहा होगा उसका इसमें फ़ हम लोग किसके वज़न पर बनाएंगे? मफ़ालू के वज़न पर किसके वज़न पर मफ़लू के वज़न पर देखिए यहाँ फैल मुजारे के आन क़लिमा पर क्या है ज़मा है यहाँ क्या है फ़तहा है मैंने क्या बतलाया अगर फ़ैल मुदारे के आन कलिमा परम्मा या फ़तहा हो तो उसका इसम फ़ हम किसके वज़न पर बनाएँगे मफ़लून के वज़न पर तो यंसुरो से क्या हो जाएगा मनसरुन यफत से क्या हो जाएगा पास में आ रही है जी मफ़ी के वसन पर हम लोग इसमें में कब बनाएंगे क्या मफ़िल के वसन पर इसमें रफ़ उस मुदारे से बनता है जिसके आन कलिमा पर कसरा हो अगर फेल मुदारे के आन कलिमा पर कसरा होगा जैसे यहाँ है तो उसका इसमें रफ़ हम लोग किसके वज़न पर बनाएंगे मफ़ी के वज़न पर तो यजरिबो से क्या हो जाएगा मजरिबन बासन में आ रही है जी यहाँ क्या करें इसमें ऱ के दो वज़न हैं पहले वज़न का नाम है मफालुन, दूसरे वज़न का नाम है मफआल मफालुन के वज़न पर इसमें इसम कब होगा कब आएगा मफालुन के इसमें मफालुन के वज़न पर इसमें रफ़ उस मुज़ारे से बनेगा जिस मुजारे के आन पर ज़म्मा या फ़तहा हो अगर मुन पर ज़म्मा या फ़तहा होगा तो उसका इसमें रफ़ हम लोग मफ़ालुन के वज़न पर बनाएंगे और अगर फेल मदारे के आइन कलमा पर कसरा है ज़ैर है तो उसका इसमें में फ़ हम लोग किसके वज़न पर, पर बनाएंगे? मफिल के वज़न पर बनाएंगे। मैं समझ में आ रही जी आगे आगे देखिए इसमें रफ़ बनाने का कायदा बताया जा रहा है यहाँ तो इसमें रफ़ के दो वज़न बतला दिए गए पहले वज़न का नाम मफआल दूसरे वज़न का नाम मफ़िल यहाँ क्या बतला रहे हैं इस मेंफ़ बनाने का क्या कायदा है इसमें ऱ हम लोग कैसे बनाएँगे देख लीजिए करें, से सरफी माजी के मुज़ारे वाहिद मुजक्र ग़ायब से अलामत मुजारे दूर करके मेम मफतो शुरू में बढ़ाओ हैं इसमें रफ़ तीन हरफी जो माजी होगा उसके मुजारे से बनेगा इसमें रफ़ किससे बनेगा तीन हरफ़ी जो माजी होगा उसके मुजारे से इसमें रफ़ बनेगा यंसुरो यफ्त हो इसमें ज़र्फ़ किससे बनेगा से हरफी माजी के मुजारे यानी तीन हरफ़ी जो माजी होते हैं उनके मुज़ारे के जो वाहिन मुद्क़र ग़ायब का सेगा होता है उससे बनता है है नसरा से अंसर बना है जरबा से अजरबो बना है फ़तहा से अफतह बना है तो तीन हरफी माजी से मुजारे बना है ना तो तीन हरफी माजी का ज मुारे होता है मुजारे में जो वाहिन मज़क्र ग़ायब का सेगा होता है उसी सेगे से इसमें रफ़ बनता है तो देखिए वाहिन मुद्कर गायब का सेगा ना जी इसमें में ज़रब बनाने के लिए क्या करेंगे तीन हरफी माज़ी का मुजारे लेंगे और फिर मुजारे का वाहिन मुजक्कर ग़ायब का सैगा लेंगे तो तीन हरफी माजी का मुजारे हमने लिया फिर मुहारे के तीन हरफ मुजारे प... के वाहिन मुजक्कर ग़ायब का सैगा हमने लिया ठीक है उसके बाद में हमें क्या करना है अमामत मुजारे को दूर करना है अलामत मुदारे को हटाना है ये अमत मुजारे ना इसको हटा दिया उसके बाद में क्या करना मीम मफतो सुर में बढ़ाना है शुरू में क्या बढ़ाना है मीम मफतू यानी उस मीम को बढ़ाना है जिस पर फतहा हो जिस पर ज़बर हो देखिए सबके शुरू में मीम मफतू बढ़ा दिया गया उसके बाद में क्या करें आन कलिमा मजमूम हो तो मफतू कर दो करें अगर आन कलिमा मजमूम हो अगर आन कलिमा परम्मा हो तो उसको क्या कर दो फतह दे दो अगर आन कलमा मजमूम हो तो उसको क्या कर दो मफतू कर दो यानी अगर आन कलिमा परम्मा हो तो उसको क्या कर दो फतह दे दो यहाँ ज़म्मा था उसको क्या कर दिया गया फ़तह दे दिया गया समझ में आ रही जी वरना अपनी हालत पर रहने दो यानी अगर आइन कलिमा पर कसरा है तो कसरा रहने दो अगर फतहा है तो फतहा रहने दो अगर जम्मा है तो उसको किससे बदल देंगे फतहा से बदल देंगे कहें से हरफी माजी के मुजारे वाहिद मुजक्र गायब के सेगे से अमत मुजारे दूर करके मीम मफतू शुरू में बढ़ा दें यानी तीन हरफी माजी का मुजारे लें तीन हरफी माजी का मुजहारे लिया गया फिर वाहिन मुज़क्र गायब का सैगा लें वाहिन मुज़र गायब का सैगा लिया गया फिर क्या करें अमामत मुदारे को दूर कर दें अत मुदारे को दूर कर दिया गया फिर क्या कर दें मीम मफतू शुरू में बढ़ा दें शुरू में मीम मफतो भी बढ़ा दिया गया फिर क्या करना है आइन क़लिमा मजमूम हो तो मफतू कर दो अगर आइन कलमा पर ज़म्मा हो तो फ़तहा दे दो यहाँ देखिए यहाँ आइन कलमा पर ज़म्मा था फ़तह दे दिया गया और अगर ज़म्मा नहीं है तो उसको उसी हालत पर छोड़ दो यानी अगर कसरा है तो कसरा रहने दो फ़तहा है तो फतहा रहने दो आखिर में तनमीन लगा दो और जो आखिरी हरफ है उस पर क्या लगा दो तनमीन लगा दो तो क्या बन जाएगा इसमें ज़रा बन जाएगा क्या बन गया मनसरुन मजरबुल मफतह में आ रही है जी देखिए दो वसन ये दोनों मनसरुन और मफतह मफ़ालून के वसन पे बने हैं और मजरुबुल एक किसके वज़न पर बना है मफह उनके वज़न पर बना है में आ रही है जी देखिए फिल्म दारे के आय कलमा जम्मा था मफालून के वज़न पर आया फिल्म मुदारे के आयन कलमा पर फताह था मफ़लून के पर था, वज़न पर आया फिल्म मुदारे के आय कलमा पर कसरा था मफ़िल के वज़न पर इसमें महरफ़ बना है हो गया जी जैसे यंसरों से मनसरुन यजरबों से मजरबन यसमाओं से मसमाऊन यसमाओं से मसमाऊन मसमून का माना क्या होगा सुनने की जगह या वक्त देखिए आगे गर्दान दी गई है इसमें शहरफ की सिर्फ़ एक वजन की गर्दान दी गई है दूसरे वसन का गर्दान हम लोग खुद से लिख लेंगे मफ़ाल मफाइलो मफालुन करने का एक वक्त या एक जगह ये का सेगा है मफ़लान करने के दो वक्त या जगहें यह तस्निया का सेगा है मफ़ाइलो करने के सब वक्त या जगहें यह जमा का सेगा है दूसरा जो वसन है उसकी गर्दन हम लोग कैसे करेंगे मफ़िल मफ़ीानफाईलो मफ़िल वाद का सेगा है करने का एक वक्त या एक जगह मफयलान या तस्निया का सेगा है करने के दो वक्त या दो जगहें मफाईलो ये जमा का सेगा है करने के सब वक्त या सब जगहें तो दोनों गर्दान हम लोग याद कर लेंगे मफ़ल मफ़ालाफ़ाइलो मफ इलफ़ाला मफअलानफ़ाइलो आगे देखिए आगे तमरीन दी गई है नसरा क़तला आमीला जरा शरीबा आबदा से इसमें रफ़ गर्दा तो जो अफ़ाल दिए गए हैं इनसे हमें क्या करना है इसमें र्फ़ की गर्दान लिखनी है उसके बाद में सेगा भी लिखना और माना भी लिखना है नसरा कतल आमिला जरा शरीबा आबदा से इसमें रफ़ गर्दानों यानी गर्दान लिखो और साथ ही साथ सेगा और माना भी लिखो आगे देख लिया आगे बतला रहे हैं कि इसमें रफ़ बनाने के कायदे से तुमने समझ लिया होगा कि इसमें रफ़ मुजार मफतोहन और मजमूम से बफतह आय आता है और मुजारे मकसूर से बकसर आयन आता है लेकिन बाज़ मुज़ारे मजमूलैन से खिलाफ क्यास मकसूर आए हैं इनकी तफसील ये हैं आगे कह रहे हैं इसमें ज़र्फ़ का बनाने का जो कायदा हम लोगों ने पढ़ा है उससे हम लोग ये समझ लिए होंगे कि इसमें मुजार मुजारे मफतोहैन और मजमूम से बफ़त आय आता है यानी अगर मुज़ारे के आन कलमा फ़तह या जम्मा हो तो उससे जब हम लोग इसमें रफ़ बनाते हैं तो इसमें ज़र्फ़ के आन कलमा पर क्या लगता है फ़तहा लगता है इसमें रफ़ मुज़ारे मजमूम और मजमूम से बफ़त आयन आता है यानी तो मुज़ारे के आन कलमा पर अगर फ़तहा होता है या जमा होता है तो इसमें ़र्फ़ के आन कलमा पर क्या लगता है फ़तहा लगता है और मुज़ारे मकसूर से बसर आन आता है यानी अगर मुज़ारे के आन कलमा पर कसरा होता है तो इसमें रफ़ के आय कलमा पर हम क्या लगते हैं कसरा लगाते हैं लेकिन बाज़ मुज़ारे मजमूम आयन से खिलाफ क्यास मक़सूर आयन आए हैं लेकिन कुछ मुजारे ऐसे हैं जिनके आयन कलमा पर जम्मा है, लेकिन इसमें ज़र्फ़ बनाते वक्त उनके आयन कलमा पर फ़तहा नहीं आया है बल्कि क्या आया है कसरा आया है कायदे के ख़िलाफ़ कायदा क्या है कायदा ये है कि अगर मुजारे के आन कलमा परम्मा हो तो इसमें रफ़ के आमा पर फ़तहा होगा लेकिन कायदे के ख़िलाफ़ इसमें रफ़ के आन कलमा पर क्या लगा है कसरा लगा है लेकिन बाज़ मुजारे मज़मूमुल आयन से खिलाफ कयास यानी कायदे के मुताबिक मक़सूर आयन आए हैं लेकिन कुछ मुजारे ऐसे हैं जिनके आयन कलमा पर जम्मा है लेकिन कायदे के खिलाफ जब हम लोगों ने उसका इसमें जरब बनाया तो कायदे के ख़िलाफ़ उसके आयन कलमा पर क्या आया है कसरा आया है आना क्या चाहिए फ़तहा उनकी तफसील आगे दी जा रही है देखिए मस्जिद सजदा करने की जगह या वक्त सजदा यश इसमें रफ़ क्या बनना चाहिए मफालून के वज़न पर मस्जिद लेकिन क्या बना मस्जिद कायदे के खिलाफ ही है मगरबन आफ्ताब गरूब होने की जगह मन बित उगने की जगह मतिल आफ्ताब तुलु होने की जगह मनसिकन कुरबान गाह यानी कुरबान कर क़ुरबानी करने की जगह मनखिरन नथुना यानी छेदने की जगह मशरक़न आफ्ताब निकलने की जगह मस्कित गिरने की जगह मस्किनन रहने की जगह मफरकन मांग यानी अलग होने की जगह जुदा होने की जगह मजजरुन मजबह शुतर यानी ऊँट के जबाह करने की जगह मरफ़ुन कोहनी रखने की जगह तो ये जो इसमें ज़र्फ़ हैं ये सब क्या आए हैं कायदे के ख़िलाफ़ आए इनका इसमें रफ़ मफालुन के वज़न पर आना चाहिए लेकिन किसके वज़न पर आए हैं मफ़ी के वज़न पर आए हैं तो इनके बारे में हम लोग क्या कहेंगे कि ये इसमें रफ़ कायदे के खिलाफ बनाए गए हैं समझ में आ रही बात अजीज तलबा आज के दरस में वसीिताहीसलामिक वरहल वर्कू